जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट कैंप आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जो वैकेंसी जारी कर दी गई थी 28 फरवरी 2019 को, उसका कोविड-19 के कारण कुछ एग्जाम हो चुका था, लेकिन कुछ का होना बाकी है अभी। उसके लिए जो रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है किस किस फेज के अंतर्गत पर कब कब एग्ज़ाम होगा, मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर कम्प्लीटली रूप से आपको बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, जिसने कहा था एनटीपीसी 10th+2 एंड क्या था ग्रेजुएट लेवल का वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर 2019 में जारी कर दिया गया था। ठीक है, कुछ एग्जाम हो चुकी थी, बस हमें यह जानना है कि जो नया फेस जारी कर दिया गया उसका इंपोर्टेंट डेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले से बताते हुए आऊँगा यहाँ पर कि कब का यहाँ पर क्या चीज़ बात है। सबसे पहले की बात करें तो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था 28 फरवरी 2019 के अंतर्गत पे। जो एप्लीकेशन था उसको क्या कर दिया था, बिगेन बाद में शुरू करना था 1/3/2019 के बाद में। उसके बाद लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का क्या था 31/3/2019 के अंतर्गत पे। लास्ट डेट पे एग्जाम फीस सबमिट करने का 5/4/2019 था। लास्ट डेट फाइनल सबमिट के लिए क्या था 12/4/2019 इसका लास्ट डेट था। लास्ट डेट अपडेट पोस्ट प्रिफरेंस 30/4/2019 के अंतर्गत पे दिया गया था। उसके बाद में ये देखिए फॉर्म स्टेटस अवेलेबल 21 से लेकर 30 सितंबर 2020 के अंतर्गत जो उसका स्टेटस था वो आपको क्या कराया दिया गया था, इनके द्वारा अवेलेबल कराया दिया गया था। अब देखिए फेज फर्स्ट एग्जाम, इनकी बात कही गई थी फेज फर्स्ट एग्जाम डेट स्टार्ट 28 दिसंबर 2020। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया गया था 24/12/2020 के उसमें। फेज सेकेंड के एग्जाम का डेट था 16 से लेकर 31 जनवरी 2021 के अंतर्गत से 16 से लेकर 31 जनवरी 2021 के अंतर्गत पे। फिर कुछ एग्जाम में करा दी गई थी इनके द्वारा यहाँ पर, लेकिन जो फेज थ्री, अब यहाँ से कुछ कुछ देखते जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नए भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए इसके बाद में फेज़ टू तो हमने बात कर ली, फेज़ थ्री है। फेज़ थ्री एग्जामिनेशन 31/1/2021 मतलब 31 जनवरी से लेकर क्या था 12 फरवरी 2021 तक गया था फेज़ थ्री का एग्ज़ाम होना था। और फेज़ फोर का जो एग्ज़ाम था 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक क्या था इसका फेज़ फोर का एग्ज़ाम होना था। फेज़ फाइव के एग्ज़ाम की बात करें तो फेज़ फाइव का एग्ज़ाम 4/3, ठीक है, फेज़ फोर का फाइव का जो है चार क्या था ये मार्च से लेकर कितना होता था 27 मार्च 2021 के बीच में होना है। और उसके बाद में फेज़ सिक्स नंबर की बात करें तो इसका एग्ज़ाम कब होना है 1 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में। अब आ गया नया डेट, देखिए ये अभी 23 से लेकर 31 जुलाई के बीच में क्या हो जाएगा, जून जुलाई के अंतर्गत पे फेस जो सेवन नंबर का एग्ज़ाम है वो हो जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका क्या हो जाएगा फेस सेवन का जो रेलवे एनटीपीसी का जो आपने क्या किया था फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जिस जिसका एग्ज़ाम अभी डेट जारी नहीं हुआ था तो आप इसके अंतर्गत पर देख कर कर सकते हैं, सॉरी इसके अंतर्गत आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपका एग्जाम फेज सेवन है इसके अंतर्गत पर, और फेज इसके इनके द्वारा जो भी होगा बढ़ाया जाएगा। वैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा इतना जान लिया होगा आपने, इतना इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के अंतर्गत पर। आगे वीडियो के अंतर्गत पर इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम आपको लेकर आएंगे। इसके अंतर्गत पर देखिए टोटल जो वैकेंसी थी 3000 कितना था 35000, ठीक है, 35277 पोस्ट थी, और जिसमें जनरल ओबीसी एसटीएससी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए था 15131 हो गया, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 8712 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3510 और एससी के लिए 5127 और एसटी के लिए कितना था 2787 टोटल पोस्ट है इसके अंतर्गत पर। ठीक है, क्वालिफिकेशन वो तो अब आपका बस इतना ही देखना है, जिस जिसने इस फॉर्म को भरा था बस उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि जो फेज सेवन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है रेलवे एनटीपीसी तो उसका एग्जाम कब हो जाएगा 23 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इतना ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। आगे वीडियो के अंतर्गत पे इसी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यही पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।